और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर के रास्तीपुरा क्षेत्र में कावड़ यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। सोमवार को रास्तीपुरा क्षेत्र में कावड़ यात्रा का स्वागत हुआ। बता दें कि रास्तीपुरा क्षेत्र से त्रिवेणी महादेव मंदिर समिति द्वारा पिछले 26 वर्षों से कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं। ओंकारेश्वर से मां नर्मदा का जल लेकर कावड़िये बुरहानपुर पहुंचे। उनका सामाजिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। नर्मदा नदी के जल से शिवजी का अभिषेक पूजन किया गया। इस कावड़ यात्रा में 90 कावड़ शामिल हुए थे, जो पैदल चलते हुए तीसरे दिन बुरहानपुर पहुंचे। भक्ति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी कावड़ यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली गई है और इस बार हमारे वहाँ के जो बच्चे थे, जो भक्तगण थे, उन्होंने इस बार नवी आकृति की 2 क्विंटल की कावड़ यात्रा बनाई है, जिसको उज्जैन से लेकर के आज बुरहानपुर पहुंचे हैं। इसमें काफी श्रद्धालु बहुत उत्साह के साथ में आज बुरहानपुर पहुंचे हैं और इनका अभिषेक अभी जो हमारे शिव मंदिर में रखा गया है, इसको हो गया कम से कम हमारे 15 साल हो गए। ये स्टील से बनाई गई है और इसके और हम आए उज्जैन से, 2 तारीख को निकले थे वहां से, 3 तारीख को उज्जैन से निकले थे। ओंकारेश्वर का जल अभिषेक किया, ओंकारेश्वर से जल लिया नर्मदा जी का। अब हमारे क्षेत्र में बुरहानपुर में महाजन कॉलोनी में हम चढ़ाएंगे। हमारी 10 दिन पद यात्रा थी, 10 दिन इसमें उज्जैन से ओंकारेश्वर तक 90 युवा थे और यहाँ से ओंकारेश्वर से बुरहानपुर तक कम से कम 1000 शिव भक्त यात्री थे। बुरहानपुर के नेहरू स्टेडियम पर 15 अगस्त का मुख्य समारोह आयोजित होगा, जिसको लेकर तैयारी में अफसर जुट गए हैं। सोमवार दोपहर 2 से नेहरू स्टेडियम पर तैयारी शुरू हो गई है। नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि नेहरू स्टेडियम पर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह आयोजित होगा, जिसको लेकर कलेक्टर भव्य मित्तल के निर्देश पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। यहां पर टेंट व्यवस्था सहित गार्डन की साफ सफाई और अन्य कार्य कराए जा रहे हैं। 15 अगस्त के मुख्य समारोह में बारिश के कारण थोड़ी व्यवधान उत्पन्न हो रही है, लेकिन हम बहुत धूमधाम से 15 अगस्त का कार्यक्रम संपन्न कराएंगे। अभी पानी निकाल रहे ग्राउंड में टेंट और मुरम चोरी डाल के पूरा ग्राउंड सुखा रहे हैं पूरा। सोमवार दोपहर 2 बजे मंडी बाजार क्षेत्र में रहमान फाउंडेशन की ओर से पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस पत्रकार वार्ता में समिति के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि आजाद नगर में 25 अगस्त को निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यहां पर मोतियाबिंद के ऑपरेशन भी निशुल्क किए जाएंगे, चश्मा सहित दवाई भी निशुल्क वितरित होगी, जहां पर डॉक्टर खेरनार द्वारा अपनी सेवा दी जाएगी, जिसको लेकर उन्होंने लोगों से इस शिविर में आने की अपील की है। रहमान फाउंडेशन की तरफ से 25 अगस्त को मौलाना अबुल कलाम आजाद स्कूल आजाद नगर में एक विशाल निशुल्क आंखों का एक कैंप हमने ऑर्गेनाइज किया है, जहां पर कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद और इस तरह की जो भी बीमारी है उसकी निशुल्क जांच होगी और जांच के पश्चात जिन पेशेंट का ऑपरेशन की जरूरत है उन्हें निशुल्क ऑपरेशन कराया जाएगा, लेंस डलाया जाएगा, चश्मा भी दिया जाएगा। ये एब्सोल्युटली फ्री रहेगा, इसमें किसी तरह का कोई चार्ज किसी से नहीं लिया जाएगा। कौन से लोगों का लक्ष्य रखा है? हम तकरीबन यहाँ पर 200 लोगों का ऑपरेशन कराने का लक्ष्य रखा है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि हर ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है और लोगों का कोई सुविधा नहीं मिल पा रही, इसको देखते हुए हम लोगों ने इसका ये किया। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में सर्दी खांसी बुखार के मरीज बढ़ गए हैं। 250 से अधिक मरीजों ने आज उपचार कराया। सोमवार दोपहर 1 बजे जिला अस्पताल में सर्दी खांसी के मरीजों की अचानक संख्या बढ़ गई। मौसम में परिवर्तन होने से यह स्थिति बनी हुई है। जिला अस्पताल के IMO डॉक्टर गौरव थावानी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज 250 मरीजों ने जिला अस्पताल में सर्दी खांसी का उपचार कराया। मौसम में परिवर्तन होने के कारण यह समस्या आ रही है। डॉक्टरों ने भी लोगों से सावधानियां बरतने की अपील की है। बुरहानपुर के ठाठर की पुलिया पर बाढ़ का पानी होने के बावजूद भी जान जोखिम में डालकर लोग पुलिया पार कर नजर आ रहे हैं। सोमवार दोपहर 2 बजे से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो ठाठर पुलिया का बताया जा रहा है, जहां पर जान जोखिम में डालकर लोग पुलिया पार करते हुए नजर आ रहे हैं। बरसात होने के कारण नदी नाले उफान पर आ रहे हैं, ऐसे में पुलिया छोटी होने के कारण यहाँ पर पानी आ जाता है, जिसको लेकर अब लोगों ने भी पुलिया का निर्माण हो इसकी मांग की है।
मुख्यमंत्री सामुदायिक क्षमता विकास कार्यक्रम अंतर्गत विकास खंड खकनार जिला बुरहानपुर में शुभारंभ किया गया, जिसके मुख्य अतिथि नेपानगर विधायक मंजू दादू व जिला पंचायत अध्यक्ष गंगाराम मार्को, सहायक प्राचार्य शीतल मैडम व समस्त परामर्शदाता छात्र उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों के हाथों से पुस्तक वितरण व नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। बुरहानपुर में श्रावण मास की शुरुआत होते ही शिवालयों में भक्तों की पूजा अर्चना करने के लिए भीड़ लगना शुरू हो गई है। इसी के चलते प्रतापपुरा स्थित श्री हाटकेश्वर महादेव मंदिर पर भी श्रावण सोमवार के चलते फल फ्रूट से शिवजी का श्रृंगार किया गया। मंदिर के रविंद्र नगर ने जानकारी देते हुए बताया कि यह 250 साल पुराना शिवजी का मंदिर है। यहां पर श्रावण सोमवार के चलते प्रत्येक सोमवार को शिव जी का फूलों से, फलों से सहित अन्य वस्तुओं से श्रृंगार किया जाता है। यह कम से कम 200-250 साल पुराना हाटकेश्वर का मंदिर है और ये भगवान नागरदेव के इष्ट देव है नागरों के, और हर साल श्रावण मास में इस प्रकार की झांकी यहां पर बनाई जाती है। आज क्या झांकी? आज फ्रूट का श्रृंगार है पूरा। क्या क्या पूरे सब तरह के फ्रूट इसमें लगाए जाते हैं जो भी बाजार में अवेलेबल हो और उसका श्रृंगार करा हुआ है। आज श्रावण सोमवार पे होगा, पांच सोमवार है इस साल, पांचों सोमवारों पे श्रृंगार होगा। पहला फूल का हुआ, दूसरा ये हुआ, फिर अलग अलग टाइप के फूल मिलते हैं, उस टाइप के इसमें सजाया जाता है भगवान और ये मुकुट धराया जाता है।